पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ देखा था। वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ देखने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि हम लोगों को मल्टीपल चार्जेज के कारण किसी भी चार्ज पे फोर्स निकालना हो तो हम करें क्या, ये समस्या आई थी। अब हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने उसी लिए बनाया है कि अगर किसी भी चार्ज पे मल्टीपल चार्जेज के कारण फोर्स निकालना हो तो करना क्या है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर नेट फोर्स ऑन ए चार्ज आपको निकालना है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, वैसे हालात में आप वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू ईच चार्ज प्रेजेंट इन द सिस्टम निकाल लीजिए। अब जैसे हमारे एक सिस्टम है जिसमें मान लीजिए बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, वन से हमने एन तक लिया है, Q1 के कारण कैपिटल क्यू पे फोर्स निकालेंगे, ये फोर्स आप F1 मान लीजिए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा, ओके कैपिटल क्यू तो रहेगा इंटू Q1 बाय ये डिस्टेंस आप R1 मान लीजिए, ओके तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा, अगर आप इसको वेक्टर देना चाहते हैं क्योंकि वेक्टर सम निकालना है तो यहाँ पर R1 कैप लगा देंगे। उसी तरह से F2 भी सेम पैटर्न पे लिख लीजिए, ये सेकंड चार्ज के कारण जो फोर्स है वो निकल जाएगा, ये Q2 बाय R2 का स्क्वायर और यहाँ पर R2 कैप लिखेंगे। बढ़ते चलिए N तक आ जाइए, अगर आप Fn वेक्टर लिखेंगे तो आपके पास 1/4πε0 कैपिटल Q(Qn) बाय Rn का स्क्वायर Rn कैप। अब अगर आप नेट फोर्स ऑन क्यू निकालना चाहते हैं तो F नेट वेक्टर के फॉर्म में F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 आपके पास Fn वेक्टर मिल जाएगा। अब ये वेक्टर के फॉर्म में इंडिविजुअल फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर लिए, सवाल ये आता है कि अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आपके पास दो ही फोर्स हैं ठीक है तब तो आप सिर्फ F2 तक लिखेंगे ऐसे करके, ओके और आपको मालूम है R इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके निकल जाएगा। अब बोलिए कि एंगल कैसे निकलेगा, मान लिया जाए कि Q1 पॉजिटिव Q2 पॉजिटिव, F1 का डायरेक्शन ओके रिपल्सन के कारण ऐसा मिलेगा, Q2 को नेगेटिव मान लें ओके तो ये फोर्स आपको इस तरफ मिलेगा, ये F2 हो गया। अब इसके बीच का एंगल हम लोग यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ एंगल पुट कर देंगे तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos जितना एंगल होगा वैल्यू देकर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और फिर डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या तरीका है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू है ना बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी cos थीटा, ये वेक्टर वाला जो है उसी को यूज करके हम निकाल सकते हैं ओके। लेकिन अगर दो से ज़्यादा जैसे वहाँ पर दिख रहा है एन तक, वैसे हालात में क्या करें, वैसे हालात में ए भी कर सकते हैं कि दो दो का निकाल के फिर फाइनल हम नेट निकालें, नहीं तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है, मान लीजिए कि Qn और Q पॉजिटिव है, ये आपके पास मिल गया Fn ओके। अब हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लें, कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेंगे एक्स और वाई और आसानी से इसके कंपोनेंट तोड़ देंगे ठीक है, और तब सभी के कंपोनेंट को जोड़ लेंगे प्लेन में है तब तो हमारे पास बड़ा बढ़िया आई कैप जे कैप के टर्म में आ जाएगा और रिजल्टेंट निकालना तब आपको आता है, वेक्टर में आपने सीखा है। अगर स्पेस में भी है तो एक और डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में कॉम्पिटेटिव में थ्री डायमेंशनल भी होता है, जनरली थ्री डायमेंशनल क्वेश्चन कम होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं, तो उसमें आपको के कैप भी एक आएगा तो तीनों तोड़ करके फिर रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ऐसे कंपोनेंट रिजॉल्व करके नेट निकालना बड़ा आसान होता है। तो ये तो बात हो गई हम लोग नेट फोर्सेस कैसे निकालेंगे, तो इंडिविजुअल सभी फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेना है और उसके बाद से वेक्टर सम कर देना है। ये तब की बात है जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट हो, अलग अलग इंडिविजुअल हो,
कभी कभी सिचुएशन थोड़ा अलग होता है। तो थोड़ा अलग वाला सिचुएशन क्या होता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो। एक हमारे पास कोई ऐसा बॉडी है जिस पे चार्जेज पूरे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाला टर्म भी तीन तरह का हो सकता है, जो पिछले प्रॉपर्टीज में बताया गया था। लीनियर हो सकता है, सरफेस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, जो भी होगा उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ चार्ज dQ रहेगा और यहाँ से एक डिस्टेंस पे कोई चार्ज कैपिटल Q रहेगा अगर फोर्स निकालना है तो। तो एक काम कीजिए, इसको ओरिजिन मान लीजिए O, इसको पॉइंट P मान लीजिए, इसके बीच का डिस्टेंस R मान लीजिए और सबसे पहले dQ के कारण Q पे फोर्स निकालिए। ऑब्वियस है कि वो छोटा फोर्स होगा dF, कांस्टेंट तो वही होगा 1/4πε0। क्यू चार्ज वही होगा, डी क्यू अलग होगा बाय आर स्क्वायर। चूँकि वेक्टर लिखा है आपने तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर देना है। अब अगर नेट फोर्स निकालना है एफ वेक्टर, तो ओबियस है आपको डी एफ वेक्टर का इंटीग्रेशन करना होगा। और ऐसे केस में आप अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट तो बाहर 1/4πε0। ओके, यहाँ पर आपके पास Q भी बाहर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। dQ बाय आर स्क्वायर देखना पड़ेगा क्योंकि हर एलिमेंट का डिस्टेंस अलग होगा, उसके बीच का फंक्शन क्या होगा, और यहाँ पर R कैप। इस तरह से करके आप नेट निकाल सकते हैं। तो इंडिविजुअल सिचुएशन में देखना पड़ेगा, यही सुपरपोजिशन का रिजल्ट ही है, लेकिन वहाँ आपने वेक्टर समेशन की बात की, यहाँ पर वेक्टर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो होप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।